हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे किया सेल्टॉस के बारे में जो कि एक एसयूवी फीचर में काफी आगे है। इस वीडियो में हम इसके कुछ खास फीचर और कंफर्ट के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो इसका बेस मॉडल ऑन रोड हमें देखने को मिल जाता है 12.98 लाख तक, और अगर हम इसके टॉप एंड वेरियंट में जाते हैं तो इसका टॉप एंड वेरियंट ऑन रोड प्राइस हमें देखने को मिल जाती है 24.72 लाख तक। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको जो है टोटल 8 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करेंगे इसकी माइलेज की, तो इसके अंदर हमें पेट्रोल मैनुअल के अंदर 70 km/L का यानी कि 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं डीजल मैनुअल की, तो इसका माइलेज काफी अच्छा देखने को मिलता है, 20.7 km/L का माइलेज आपको जो इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर हम कार की लुक्स एंड डिजाइन की बात करेंगे, तो फ्रंट साइड से कार काफी बढ़िया, काफी खूबसूरत देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड से कार काफी बोल्ड और काफी बढ़िया दिखाई देती है। आप यहां पे देख सकते हैं ऊपर के साइड में हमें रूफ रेल्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और यहां पे बोनेट पे किया की जो है बैजिंग देखने को मिल जाती है। जस्ट ही उसके नीचे क्रोम लाइन हमें देखने को मिलेगी, और उसके नीचे आपको जो है इसका ग्रिल जो है पैनो फिनिशिंग में ग्लॉसी में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलईडी हेडलैम्प्स डीआरएल्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में नीचे के साइड में आपको जो है फॉग लैम्प भी इसके अंदर ऑफर किए गए हैं। ओवरऑल फ्रंट लुक काफी बढ़िया, काफी अच्छी जो है डिजाइन में हमें देखने को मिल जाती है। चलिए अगर हम बात करेंगे कार के साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह से जो है हमें साइड प्रोफाइल में कार देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लीयरेंस काफी अच्छी 190 mm की जो है इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं इसके अलॉय व्हील्स की, तो डुअल टोन कलर में आपको जो है डायमंड कट शेप में देखने को मिल जाएंगे 17 inches के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोर पे भी जो है हमें क्रोम फिनिशिंग में इसके डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। ओआरवीएम पे जो है टर्न इंडिकेटर आपको जो है इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। ओवरऑल साइड से भी काफी बढ़िया, काफी लग्जरियस कार हमें देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कार के रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे के साइड से कुछ इस तरह से जो है हमें कार देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो है पीछे ग्लास पे आपको डिफॉगर देखने को मिलेगा, वाइपर भी जो है इसके अंदर ऑफर किया गया है। पीछे के साइड में जो है कुछ इस तरह से जो इसके टेल लैंप हमें इसमें ऑफर किए गए हैं। नीचे के साइड में रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, साथ ही साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी जो है आपको इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर के जो है रूफ पे, तो ऊपर के साइड में जो है हमें यहाँ पे रूफ रेल्स, पैनोरामिक सनरूफ, साथ ही साथ में शार्क फिन एंटीना इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे जो है ओवरऑल अगर लुक देखा जाए तो बहुत ही क्लासिक जो है लुक इसका देखने को मिल जाता है। सेंटर में किया की जो है बैजिंग, नीचे के साइड में सेल्टॉस की बैजिंग आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं कार के अंदर। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल इसके सीट्स भी जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दी है, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जाइए जल्दी से जल्दी आपका जो है फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। सेल्टॉस के इंटीरियर की बात करेंगे, तो बढ़िया से जो है स्टीयरिंग व्हील हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील हम इसे बोल सकते हैं, और बहुत सारे कंट्रोल्स आपको जो है इस पे प्रोवाइड किए गए हैं जो कि काफी प्रीमियम हमें देखने को मिलता है। सेंटर में बढ़िया सी जो है किया की बैजिंग हमें देखने को मिल जाएगी। इसी में जो है हमें एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, हॉर्न का सेटअप भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो है मेटेलिक फिनिशिंग बढ़िया सी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो है जीटी एनलाइन भी दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इसका इंटीरियर काफी बढ़िया देखने को मिलता है, सिंगल टोन कलर यानी कि ब्लैक कलर में काफी प्रीमियम कार हमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो है मेटेलिक में बढ़िया सा जो है डोर पे हमें फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे पैनो फिनिशिंग भी आपको जो है प्रोवाइड किया गया है। एसी वेंट की भी बात करेंगे, तो एसी वेंट्स पे भी जो है बढ़िया सी जो है सिल्वर कलर की इंसर्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, बढ़िया से डिजाइन में एसी वेंट हमें जो है प्रोवाइड किए गए हैं। ओवरऑल अगर हम इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की भी बात करेंगे, तो काफी प्यारी काफी अच्छी डिजाइन में जो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन हमें दिखाई देता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो है हमें डिजिटल देखने को मिल जाता है, बहुत सारे फंक्शन जो है इस कार के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसके एसी कंट्रोल्स की वगैरह, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के साथ हमें जो है इसके
फंक्शन सेटअप यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके गियर नॉब की, तो ये ऑटोमेटिक में हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे सारे फंक्शन जो है आपको प्रोवाइड किए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी जो है इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है बढ़िया से कप होल्डर्स हमें देखने को मिलेंगे। पार्किंग का आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग यहीं पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट हमें प्रोवाइड किया गया है, इसको आप ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा और भी चार्जर वगैरह जो है कैरी कर सकते हो। यहाँ से इसको कर लेते हैं क्लोज। ओवरऑल अगर हम इसके ग्लव बॉक्स की भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, गाड़ी का मैन्यूअल और फर्स्ट एड किट वगैरह भी जो है आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। इस कार में आपको जो है बढ़िया सी जो है पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे ऑफर की गई है। अभी तो यहाँ पे ओपन नहीं है, क्लोज ही है। बहुत ही बढ़िया सा जो है ब्लैक कलर में आपको जो है इसका इंटीरियर देखने को मिलता है, जो कि गाड़ी का लुक और भी ज़्यादा एनहांस करते हुए दिखाई देता है। इंटीरियर में काफ़ी प्रीमियम आपको फील आती हुई दिखाई देती है। पीछे की साइड में अगर हम बात करेंगे तो मेरी हाइट 5'8" है, उस हिसाब से जो है सीट एडजस्ट की गई है ड्राइवर साइड की। तो आप देख सकते हो लेग स्पेस जो है काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे पीछे की साइड में आपको एसी वेंट्स भी जो है इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ ही साथ में आप मोबाइल को चार्ज भी यहीं से कर सकते हो। कार जो है हमें टोटल डिफरेंट 11 कलर्स में देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ में बहुत ही एडवांस फीचर जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लेवल 2 अडैप्ट करके जो है एडवांस फीचर कार में जो है आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों, किया की कोई भी कार लेने का प्लान कर रहे हो तो सोलापुर पुणे हाईवे पे जो है किया का शोरूम है, वहाँ पे आके कार को आप बुक कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी प्रेस करना ना भूले, ताकि ऐसे आने वाले वीडियोस के अपडेट जो है आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।